ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਹੋ ਜੇ ਠਿਆੜੇ ਤਾਂ ਤੁੱਪ ਕਰਾਰੀਏ ਗਰਮੀਆਂ ਪਾਈ ਲਿੱਤਾ ਜੋਰ ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਵੋ ਸਾਥ ਲੈ ਆਪਣੇ तुस मन गए कि असें साल साल होइए उनके प्रोग्राम किए थे उन्होंने इं भिख जन मंगना पौती उनके कोला कि साड़ी पेमेंट नहीं जी पेमेंटा नहीं रिलीज हुई और सैलीब्रिटी जो सो कॉल्ड सैलीब्रिटी लास्ट शो कदू किया थे चलो ये मैं सुनाना तुसी कि 6 महीने प्लस हुई है जिंदी मैं गल करा ना एक मैं नहीं करा ना मेरे कन्ने और आर्टिस्ट जुड़े बड़े आर्टिस्ट जुड़े ने जेदे बसंतगढ़ देन बनी देन बसोली देन मैं आखना कि उन्हें उन्हें लोग पता कियां यूज करा दे करते कि इनके रहमो करम उपर वो कहता हो माता पिता तेरे मरी मुक्की गेदे तो कुदैने चौकाने बराग पैने पैने वो कर वो अपने वो आर्टिस्ट यू आर ट्रीटिंग दैम लाइक स्लेव्स है ना मैं तुम्हें सुना कि नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर एक बड़ा बड़ा पटियाला जिंदा उनके ना उपर एक इतने फराडी आया कश्मीर का 2019 उसने आखिया कि ड्यू टू कोविड प्रोग्राम नहीं हो सकते ऑनलाइन करवाने अस बसंतगढ़ का अपने डंग डफली सारी चुकी है जम्मू आईए शूटिंग करवाई रिकॉर्डिंग कराई बाद पैसे नहीं देते आखिर वो नॉर्थ जोन सेंटर वाले बोल रहे हैं जी पैसा है नहीं हमारे पास नमस्ते आऊं प्रज्ञा स्लोत्रा सिद्धि लकीर उपर तुसे सारे लोकां दा मता मता मलार करनी आ मेरे कन्ने जो शख्स बैठे दे ना पहले भी एक बार मलाटी में तुंदी कराई चुकी दी आ अज परतीए करागी बार बार करागी की जड़ा काम में करा देना मलाटी कराना बनती है इंदा ना है सुभाष परमाणु जी और ते मैं तुसेंगी सुना कि इंदे कोल एक ऐसा पिटारा है ना जेरे च माँ बोली ताई इन्ना किश है इन्ना किश है वो आपे तो ये जड़ी साड़ी माँ बोली की बचावा देना उसी अगे तक ले जा दे और सब तो खरी गल यह है कि जड़े इंदे स्टूडेंट्स ने उन्हें भी ये बड़ा शैल जड़ा वो सिखा कर देना उन्हेंगी भी वो बड़ा शैल मतलब डोगरी दी रग रग जड़ी है उन्हें पावा कर देना तो बड़ा शैल लगता अज सर कन्ने बैठी है मैं काफ़ी चेर बाद चू बैठी हाँ अली 2 साल होइए मैं लगता 2 साल के बाद चू मैं कोल बैठी हाँ तो अज पहले तो सर मता मता मिला तो सीधे लकीर च बड़ा बड़ा धन्यवाद थोड़ा प्रज्ञा जी तो TSL की पूरी टीम का कि एक बार पढ़ती है थोड़े कन्ने गलबात करने का मौका मिले और तुसें की मुबारक भी देगी तो धन्यवाद भी करगी कि तुसें हालांकि थोड़ा शिफ्ट करने के बावजूद भी तुस अपने काम को जो तुस करा दी हाँ बड़ा अच्छा काम करा दी हाँ वो कनैक्टेड हो वो तो सर मैं पहले आखे ना प्रज्ञा भाई पंजाब रो या बाहर जाए करनी आऊँ डोगरी जगह है तो सर हूँ कोल बैठे थे 2 साल के बाद चु मिले हैं वो जो पिटारा है सर 4 साल 2018 बच्चे से माफ़ी जो पिटारा है और होर कि खड़ा खजाना निकलना है सर को पुछगे सर मिगी तुस पहले सारे को पहले सनाओ और किन्ने बच्चे तुंदे कन्ने जुड़े ने जेड़े डोगरी च इंटरेस्ट लैंदे ने सिखने दा एक कुछ शायर ने आख्या ना कि अकेले ही निकले थे जानवी मंजिल लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया तो ऐसी गल नहीं है बढ़ोतरी हो रही है दिन ब दिन नवे को नव टैलेंट थोड़ा है खासकर स्कूलों में इसे काम की करते हुए मेरे डिपार्टमेंट ने भी दिखे मैं पूरे जोन की जिम्मेवारी दी ZICC कल्चरल सैल का बनाया अच्छा तो पर मैं आखना कि मैं एक स्कूल च भी पूरी पूरे तरीके काम कर लिया तो भी बड़ी बड़ी गल है तो हाँ बड़े सारे नवे और भी टैलेंटड बच्चे कुड़ियाँ मुड़े थोए न जिदा हाल ही एक गाना मेरे बच्चे एक कि पर्यावरण ऊपर एक पहले वायरल होया हाँ तो पर वो बच्चे सारे इस वेले कोई कॉलेज चली दा कोई अच्छा बड़े हुई दे बच्चे ते एक डिपार्टमेंट दी रिक्वायरमेंट भी यही कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऊपर ते बच्चे ने एक और गाना और बच्चे भी नवे ते गाना भी नवा हाँ उहदे अलावा जिखे पुराने ने वो भी कनैक्टेड ने दो राकेश एंड राकेश बड़े फेमस हैं जेडे वो भी कनैक्टेड ने कुछ और बच्चे भी हैं तो चला दा अच्छा ते तुस मिगी दसो कि जागत मते ने कि कुड़ियां मतियां ने जिथे तक अगर स्कूल च गल करा मैं तो मेरे स्कूल च वैसे भी कुड़िया एनरोलमेंट भी ज्यादा है अच्छा और कल्चर च भी ज्यादा एक्टिव अच्छा पर कुछ कारण तुसे पता भी है कि ग्रां च कुछ ते बच्चे ड्राप आउट हो जांदे कई 12वीं दे बाद या 10वीं दे बाद बच्चे कुड़ियां जिहड़ियां अगे नहीं पढ़दियां कई बार अगर बच्चे अगे आंदे कई फैमिली दी भी इन्नी सपोर्ट नहीं हुंदी है कि अगे जान
मैं ये समझना कि चलो साड़ा काम तो है बच्चे की सिखाना पढ़ाना तो एक कम है वह कहने कहने अगर उनके अंदर इंटलैक्ट है गाने वाला तो उस चाहे बच्ची है चाहे बच्चा उसी करते फिर फैमिली सपोर्ट इस मसले बड़ी मैटर करती है कि अगर अज भी कई कुत ना कुत लगता कि गाना कोई कई लोग लगता कि अच्छी चीज़ नहीं है जो कि गलत है उस सोच की बदलना जरूरी है। तो उस माँ बोली की सेवा किन्ने साल तू करा दो ये मीत पता है तो जो अज नवे दर्शक दिखा रहे इन्हें भी अपनी जर्नी के बारे सुनाओ तो क्या शुरुआत जी तो जी एक चीज़ मैं पहले क्लीयर कर दी कि मैं तो ये मानना कि मैं कोई सेवा नहीं करा दा इनफैक्ट डोगरी ने डोगरी की वजह कन्नै मैं अज लाइम लाइट जो भी हैं थोड़ा बहुत है एज अ टीचर तुसें पता टीचर हजार लखन पर मैं कहना सेवा कुत्थे करनी अस एहसान चुकाई उड़चे कि अस एक डुगर धरती पर जन्म लिया तो अस डोगरे हां तो वह बड़ी वड्डी गल है। तो जर्नी का मैं सुना तुसें कि शौक तो बचपन का हा ग्रां छतरैड़ी तहसील बसंतगढ़ च मेरे घर मेरे पिता श्री शिवचरण ब्राह्मणू जी माता श्रीमती राणो देवी जी उनके घर च जन्म लिया वो बाद स्कूल कॉलेज लैवल यूनिवर्सिटी तक शौक रहा पर रे कनैक्टड अपने फोक कन्नै कि कई बार यूनिवर्सिटी मौका लग्या तो कुसै आख्या भी कि नहीं तुस गीत गाओ नहीं असें आख्या असें गीतड़ू ही गाना असें पाक के गाने उसके बाद फिर पैरामिलिट्री च रहा मैं दो साल और वो बड़ा सुनहरी एक मिकी मौका हा कि उत्थे मैं देखिया कि लोग अपने कल्चर कन्नै किन्ने अटैच मैं खासकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ही देखिया साउथ के लोगों ही देखिया तो उत्थे जाइए मी एक सोचने पर मजबूर करे कि जिंदगी कदम मौका मिलया बुरा लगदा उस वेले देखिए कि साडे एक कंपलैक्स है डोगरी बोलने का कंपलैक्स देखो वो लोग गर्व फील करते अपने आप च प्राउड फील करते कि अस अपनी मलयालम बोला ने अस अखोमिया बोला ने जा मणिपुरी बोला ने पर इतने ऐसा ऐहा अज भी है फर्क पे है बड़ा। तो मैं उस वेले कि चलो इस पूरे यज्ञ च मेरी जो भी आहुति हो मैं एक बच्चे की ये जरूर रखगा कि वह गर्व कन्नै डोगरी बोलन और अपने आप की डोगरा आखवाने च ना गर्व महसूस करन। तो चला ओहदे बाद रेडियो अप्रूवड होए फिर गाने यूट्यूब उपर सोशल मीडिया उपर अज लोकें दा प्यार है 60-65 हज़ार फॉलोअर यूट्यूब भी है ओहदे आस्ते मैं सुनारना कि लोग प्यार देंदे ने कम करो तो प्यार देंदे ने चाहे भाख गाई होग मैं तुसें कि रीसेंटली सुना पिछले साल की गल है मेरी एक भाख थी और उस वेले मैं कॉल आई लंदन का अच्छा हाँ उत्थे एक क्योंकि कोविड चला रहा एक वैबिनार होया जिहदे च भारत पर्व करिए एक वैबिनार होया जिहदे साढ़े जम्मू दियाँ इतों मनु खजूरिया सिंह ने वो सैटल न लंदन में उन्हें आखिया कि अस थोड़ी भाख चलाना चाहते हैं तो थोड़े यूट्यूब की है कोई कापीराइट क्लेम नहीं हुआ क्या तुम एग्री मैं आखिया मेरे वास्ते एक सुपना सच होने वाली गल है। तो आखने का मतलब है कि अगर लंदन के वैबिनार में भाख चली सकती है सारा गीतड़ू सारा जागरण सारा घोरियाँ सारे मसादे कुत भी गाए जा सकते हैं परफॉर्म किए जा सकते हैं प्रोवाइडेड के एक तो लोगों की शौक हुआ दूसरा थोड़ा सरकार की भी नीति जी पॉजिटिव बिल्कुल बिल्कुल। तो जी भाख लंदन तक पुजी है तो भाख मैं जरूर सुनना चाहिए और सारे दर्शक भी सुनना चाहिए उस भाख की मैं जरूर सुना वो कोला पहले उस भाख का थोड़ा मैं तुम्हें सुना भाख ऐसी है कि एक चीज़ मन हर घर ऐसा नहीं होंगे हर इंसान ऐसा नहीं होंगे पर ऐसा मनते हैं कि धीएं का प्योका उन्ने चिर हों जिन्ने चिर माँ बाबू उस भाख के कुछ ऐसा परोएगा है एक्चुअली वो लिखने वाले रचनाकार ने ऐसी रचना की है कि जल्द धी है कि वो माँ प्यो मरी जाते हैं तो वो अपने वो बाद नैचुरली भी भरा के होंगे प्योकीय तो भरा एक आखिरी है कि मैं प्योके आना तो किसी ना किस भाने करिए टाल मटोल करिए उ उसी करीटदा और लास्ट उन्हें बड़ा अच्छा स्टैप किया कि तेरिया धियां अज जवान ने तो तू भैने भुला भुलाना है मैं फर्स्ट और लास्ट स्टैप सुनागा बिल्कुल हो जेठे आड़े ता तुप करारी है गर्मिया पाई लिता जोर बीरा बीरा वो साथ ले अपने वो कहदा हो माता पिता तेरे मरी मुक्की गेदे तो कुदने चौकाने बराग पैने पैने वो कर वो अपने फिर लास्ट स्टेप सुनाना भैन लास्ट च उसी आखदी है जो पक्के तां कनकां निसरियां तेरिया तियां होइयां न जुआन बीरा
ਵੀਰਾ ਵੋ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਪਾਕ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸ ਉਸਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਜਿਹਲੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਬੜਾ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਈ ਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਸਮਝੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਪਾਖਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਗਿੱਟੜੂ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਗਿੱਟੜੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਟੜੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹਨ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਹੈ ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਅਗਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਖ ਕਿਆ ਗਵਾਲੂ ਗੀਤ ਕਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਗਰ ਟਿਪੀਕਲ ਜਾਂ ਠੇਠ ਸਾੜੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ 2020 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ ਕਰ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੀੜ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਇਹੋ ਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਯੁਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਭਾਗ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਕਿ ਕਾਰਨ ਆ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਆਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਗਿੱਤੜੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਤੜੂ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਮਾਲੋ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਾਲੋ ਕਰੀ ਆ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਡੁੱਗਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਡੁੱਗਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਰਸ ਭਾਰਤੀ ਤੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਸ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿੱਤੜੂ ਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਿੱਤੜੂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਗਿੱਤੜੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਸਤਰਾ ਉਹੜੋ ਜੀ ਗਿੱਤੜੂ ਐਸੇ ਤੇ ਸਭ ਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਹਨ ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਿੱਤੜੂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਲਿਖੇ ਦਾ ਬੜਾ ਫੋਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਗਿੱਤੜੂ ਕੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਡੋਗਰੀ ਨਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੋ ਰੇਲ ਰੇਲ ਮੋ ਚੱਲ ਘਰ ਜੋ ਹੋ ਰੇਲ ਰੇਲ ਮੋ ਚੱਲ ਘਰ ਜੋ ਹੋ ਮੇਰੀ ਰੇਲ ਮੋ ਦਾ ਲਾੜਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਰੇਲ ਮੋ ਚੱਲ ਘਰ ਜੋ ਹੋ ਰੇਲ ਰੇਲ ਮੋ ਚੱਲ ਘਰ ਜੋ ਇਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਲੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਖਲੋਈਏ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਖਾਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੇ ਕਿਸ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਈ ਡੋ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਜਾਈ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੀ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਫਲਿਊਡ ਉਸਨੇ ਦੇਖੀ ਘਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਂਚ ਕੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਚਰਾਉਣਾ ਭਿੱਡਾਂ ਚਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਿਊਡ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਫਲਿਊਡ ਵਜਾਈ ਲੈਣਾ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਲਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਢੋਲਕੀ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲਿੱਤਾ ਆਪੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਲਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿੱਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਿਗੀ ਆਉਂਦਾ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਿਗੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਘਰ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਾਮਨਗਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਸੰਤਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸੀ ਉਧਮਪੁਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਧਮਪੁਰ ਇਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ
फिर भी वो समझी गल क्योंकि राकेश अज काफ़ी अच्छा मैं दसना कि अस कुतै डोगरी नाइट्स जन्ने आ कुतै मेले च जन्ने आ जिस दिन छुट्टी हुआ मैक्सीमम ज नाइट प्रोग्राम तो राकेश मेरे कन्नै होंदा मैं अपने कोला पहले उसी मौका देना परफॉर्म करने वास्तै कि वो बड़ा मी लगदा कि ओहदे विच होर इन्नी प्रतिभा अग्गे जाई सकदा और जे गाने दी तुसें गल कीती एक तेरी किलिंग स्माइल बड़ा अच्छा नवाया उस इस पहला गाना तुसें लिखे दा बड़ा शैल है तो अच्छा है वो गाना सुनी सकते हो तुस सुभाष ब्रह्मनु एंड अरविंद ब्रह्मनु यूट्यूब चैनल उपर बाकी राकेश की एक और मैं उसी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो एक प्रगे जी एक गल सुना कि संगीत की दुनिया चकाचौंध वाली दुनिया कई बार बच्चा अपना डिविएट हो जाता अपनी मंजिल को बिल्कुल मैं उसी ज्यादा आखना कि तू ज्यादा सोशल मीडिया को दूर रहना पर फिर भी एक वो चैनल मैं उसी आखिया चल चलाई लै कोई उपर यह नहीं है कि टाइम वेस्ट करना ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी राकेश कुमार ऑफिशियल है डोगरी आर्टिस्ट ऑफिशियल करिए उत्थे भी ओदे गाने लभदे ते मेरे आले जिहड़े ने सुभाष ब्रह्मनु एंड अरविंद ब्रह्मनु लभदे अच्छा ते तुस मिगी एक और चीज मैं पूछना चाहगी कि जिन्ना पहले तो चलो डोगरी ताई काम जड़ा हो रहा हो इन्ना नजर च नहीं आता अजकल फिर लभदा है कि हाँ आए दिख रहे नवे नवे चेहरे जियां राकेश ते मैं गल करा कि और भी कल भी एक आए रहा आकाश रंगीला वो भी डोगरी च बड़ा शैल काम करा देना ते नवे नवे चेहरे जिहड़े दिखने की थो रहे पर तां भी उंदा इयो आखना है कि ओह लिया प्लैट फॉर्म सानू नहीं थोंदा है जिहो लिया बाहर दे आर्टिस्ट की उंदी सरकार जिहड़ी उह प्रोवाइड करदी इस बारे च तुस की आखगे कि तुस बच्चे तो तैयार करा दिओ पर उन बच्चों की जे अपने गै धरती दुग्गर धरती उपर उन्हें बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं थोगा उन्हें कोई पहचान नहीं थोगी उन्हें कोई कैमरा नहीं थोगा तो फिर कियां जड़ी है मां बोली बचनी खाली घर गै गाई गाई थोड़ी बचनी प्रगे जी बड़ा अच्छा सवाल तुसे पूछा है ये सवाल का जवाब जो मैं तुसे चार साल पहले दिता हा अज भी हुई है अज अगर राकेश अगे आया अज जो तुसे गल कीती आकाश जी रंगला और अगे आए जां और बच्चे बड़े ने ओहदे च कुते ना कुते थोड़ा लोकें दा और सोशल मीडिया का योगदान भी फ्रैंकली मैं ये नहीं है कि तुस इंटरव्यू करा दी मैं तां सुना सोशल मीडिया पोर्टल जेहड़े ने इन्हां लोकें दा सहयोग पर इहदे च तुसे दसो कि सरकार दा की योगदान क्या डोगरी आस्ते उस दिन भी मैं चार साल पहले इंटरव्यू च आखिया कि साडा डीडी जियां काशर है बिल्कुल अच्छा है इयां डीडी जम्मू जेहड़ा है वह सिर्फ जम्मू तक ही महदूद है और किन्ना डिपेंडेंट है कुछ शामी ले कुछ प्रोग्राम चलते हैं इंडिपेंडेंट एक साड़ा होना चाहिए डीडी डुगर के ना होना चाहिए हो या नहीं हो मैं चार साल पहले आख्या कि सब्जेक्ट्स जेहड़े डोगरी कंपलसरी होना चाहिए है और टीचर्स सिर्फ ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों में होना चाहिए बिल्कुल क्योंकि तुम्हें पता कि रेशो कढ़ो अगर तुम प्राइवेट स्कूलों किन्ने बच्चे पढ़ते ये तो नहीं है कि अस गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे की डोगरी सिखाते रहो प्राइवेट वाले राउंड देते वो भी नहीं होलावा वैकेंसियां किनिया आएंगे देखो डोगरी की बधाना उस एज ए सब्जेक्ट भी तो उसी अगे लेके जाना बिल्कुल बिल्कुल उपर को बड़ा अच्छा है अच्छे पॉजिटिव नतीजे हैं देखो ऑप्शनली सब्जेक्ट है ना कि तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो तो ज्यादातर आई ये दिख रही कि तुम्हारा जिन बच्चों की कोई सब्जेक्ट जल्ले बाकी सब्जेक्ट फिल ही होंगे तो आगे चल यार इो बचे ले लैने इो ले तो दूसरी चीज एक और त्रीआ रोल जो एजेंसियां कल्चर अकैडमी है रेडियो स्टेशन है अलग डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट मैं मुझे नहीं लगता है कि वो उस हिसाब करने इतना एग्रेसिवली कम करा रही हैं जितना करना चाहिए कने एक और चीज माफ चाहनी मैं तुम्हें टोकी बोला नहीं हां पर ये चीजें दिखने की तो यहां कल्चर एकेडमी की गल करा या मैं बाकी एजेंसियां की गल करा जे उवे चार चेहरे के लब्भन के रहोंगे तो नव्यां की कोले मौका थोड़ा लोकें कियां पता चलना कि कोई और भी काम करा रहा है कोई और भी जड़ा सीखना चाहता है या कोई और भी साड़ी मां बोली की अगे तक पहुंचाने की कोशिश करा दा ए भी दिक्कत जड़ी ओ दिखने की तुसे लगदी बड़ी बड़ी दिक्कत है और एदे अलावा एक और आखदे ना एक सतेली माल आ जड़ा इत्थे साड़े लोकल आर्टिस्ट ने कन्ने ओदा मैं तुसें सुनां मैं मतलब ना नहीं लेंगे एक गवर्नमेंट एजेंसी एक डिपार्टमेंट एक नहीं बड़े सारे ऐसे इतने करवाते मैं आर्टिस्ट का नाम भी लें बाहर के आर्टिस्ट आते हैं जिनकी पेमेंट्स कितनी होती हैं लाखों रुपए टूरिज्म डिपार्टमेंट मैं तो चरेआम बोल रही लाखों रुपए बड़ी बारी बोल लेता और तुम मन गए कि असें साल साल हुई उनके प्रोग्राम किए थे भिख जन मंगना पौंदी उनके कोला कि साड़ी पेमेंट नहीं जी पेमेंटा नहीं रिलीज हुई और सैलीब्रिटी जो सो कॉल्ड सैलीब्रिटी लास्ट शो कदू किया चलो ये मैं सुनाना तुसें छे महीने प्लस हुई है जिंदी मैं गल करा ना एक मैं नहीं करा ना मेरे कन्नै और आर्टिस्ट जुड़े बड़े आर्टिस्ट जुड़े देन जेदे बसंतगढ़ देन बनी देन बसोली देन मैं आखना कि उन्हें उन्हें लोग पता कियां यूज करा दे करते कि इंदे रहमो करम उपर वो आर्टिस्ट न यू आर ट्रीटिंग दैम लाइक स्लेव्स है ना ऐसा ऐसा तो नहीं होंगे और कुछ ऐसे ऐसे मैं तुसें सुना कि नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर एक बड़ा बड़ा पटियाला जिंदा उनके नाँ उपर एक इतने फराडी आया कश्मीर का
2019 उसने आखिया कि ड्यू टू कोविड प्रोग्राम नहीं हो सकते तो ऑनलाइन करवाने अस बसंतगढ़ का अपने डंग डफली सारी चुकी है जम्मू आईए शूटिंगा करवाइया रिकॉर्डिंग कराइया बाद पैसे नहीं देते आखिर वो नॉर्थ जोन सेंटर वाले बोल रहे हैं जी पैसा है नहीं हमारे पास मैं क्या उनके खजाने खाली नहीं आखने का मतलब ये नहीं है कि पैसा लेकिन एक आर्टिस्ट की तुम बुलाते हो एक बसोली का एक बनी का एक माहौर का एक रजौरी का कोई आर्टिस्ट आता जम्मू आसान भी नहीं है उतो अपना बोरी बिस्तर चुकी है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगने रुकने का लगना पर साढ़ा आला आर्टिस्ट अगर इनके को 30,000 या 40,000 मंगी लैंदा ना कुसै डिपार्टमेंट को एजेंसी को नहीं लगता किन्ने पैसे मंगी ले जिले सो कॉल सैलीब्रिटी जो बारह का आते हैं लखा रुपये उनके उपर रोड़ते हैं लगता मैं भी थोड़े इस चैनल के माध्यम से आखना चाहूँ कि एक तुस डोगरी की जा केड़ी तुस लोकल कला की क्राफ्ट की जा लोकल संस्कृति की बढ़ावा दे रहे हो तुसें तो यह थोड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए कि लोकलें किसी को ज्यादा तुस हर हिसाब कने ज्यादा उन्हें पेमेंट्स भी ज्यादा दियो प्रोग्राम्स भी ज्यादा दियो तो यह चीज़ा सारिया पर खैर असें कि इस चीज़ का गर्व है कि थोड़े दे लोग अच्छे जर्नलिस्ट अच्छे पोर्टल्स अच्छे कलाकार हैं जो सपोर्ट करा दे ते कुतै ना कुतै इन्हें भी जी एक परंपरा उसी छड़ना पौना है बिल्कुल बड़ी शैल गल्लां तुसें कीती सर ते गल्लां जिहड़ियां सर ने एंड च आखियां वो एकदम सही आखियां कोड़ियां बथेरी लोकें गी लगनियां मैं तो शर्म नाम भी ले लिया कि केड़े डिपार्टमेंट की लगने वाली है और ये सच्चाई है तुसें शायद लगता है कि जेहड़े डोगरे आर्टिस्ट ने इन्हें गी खाली स्टेज चाहिए हुंदी है चलो भाली लो उन्हें एक घंटा इन्हें दे ओड़ो गाने ताईं तो ओहदे बाद चों भेजी ओड़ने घर पर नहीं इसे गाने दे थ्रू इयो गाइए जड़ा वो अपना घर भी चला देना उन्हें की खाली स्टेज नहीं चाहिए होंगी स्टेज दे कन्ने कन्ने चार नोट भी चाहिए होंगे जी जितों एड्डी दूर हुआ ट्रैवल करी आते ना या इतने होटलों च रुक देना या इतने खाना पीना कर देना किड्डी वड्डी इनकी टोली जड़ी होंगी किड्डी वड्डी मंडली जड़ी इनकी होंगी और उस पूरी मंडली जड़ी है वो इत्थों तू गै अपना गुजर बदर जड़ा वो करा दी होंगी है ताकि घर जो टब्बर बैठे रहा जल्द उन्हें पता लगे कि इतों शहर तू प्रोग्राम करी आ रहे तो घर उन्हें चार फुलके खाने ताई भी जो पैसे चाहिए तो मैं बस इो आखगी जो तुम पंजाबी आर्टिस्ट की इतने सदा रहे हो सदो सदना भी चाहिए पर उन्दे कोला किश सिख भी लो कि उन्हें अपने आर्टिस्ट की केड़ा मान सम्मान देंदे ने और उस हिसाब का नुहाड़ा पैकेज भी हुंदा भावे जिथे मर्जी परफॉर्म कराई लो अस जे उन्हें गी सद्दी सकने आ तो जेहड़े साढ़े आले आ ना इन्हें गी पहले जिहड़ी प्रायोरिटी साड़ी होनी चाहिए कि इन्हें गी जिहड़ी है अस इज्जत देगे कि कल को सानू भी जिहड़ा कोई बाहर जाइए कोई पूछेगा जे इनेंगी अपनी गै डुग्गर धरती उपर वो स्टेज नहीं मिलगा वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलगा वो पैकेज नहीं इनेंगी मिलगा तो इन्हें फिर कोर ताई सेवा करनी इन्हें गाना गाइए या बच्चों की सिखाइए के थोड़ी आना जब पता चल गया कि यार एरे च कोई तो अगे फायदा गया नहीं है इस फील्ड अगे बधने का कोई फायदा ही नहीं है मैं बस जाते जाते इो आखगी गल्ला मेरिया कौड़ियां लगदियां पर सच्चाई इो है कि जिस स्हाबा कन्नै काम होना चाहिए डोगरी ताई हूँ मैं दिखा नहीं आ 10-20-30% जिहड़ा काम होवा रहा लोग मेहनत करा देना इंट्रस्ट लै देना नवे नवे जागत भी पर जिथे साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन फेल होंदी है जिथे साड़े डिपार्टमेंट फेल होंदे ने वो पहले भी उए काम करा रहे आज भी उए काम करा दे कि डोगरें की तुसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे ते हुन तुंदे उपर डिपेंड करदा जे तुस डोगरें की प्रायोरिटी नहीं देगे वो पंजाबी है बाहर दे आइए महाराज बोलते कि किन्नी मिठी जबान है तुंदी किन्ना शैल गीत तुस गांदे हो पर जिस वेले उन्हें पता चलता यार इंदी तो कोई इत्थे पुछदा गै नहीं है इनेंगी है तो वो अपनी ही किन्नी बेइज्जती होंदी है कि कौन नहीं पूछता भला ये साढ़े अपने डिपार्टमेंट जिहड़े बने दे लख रुपया दिंदे तो ही अपने जेबू जिहड़ा वो फजूल नहीं लगता सरकार दे तुस लखे लखे दे हिसाब दे एक बंदे उपर खर्चा करी ओड़ने होने तो जिहड़ा 30,000 रुपया मंगा रहा है जिहदे तुहानू 4-5 बंदे गी जिहड़े पैसे देने उस च तुसें तकलीफ होआ रही है